हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर अंदर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, एकदम सॉफ्ट दानेदार ये बर्फी हमारी बनके रेडी हुई है। बहुत ही कम बजट में बन जाती है और ये देखिए बहुत ही आसानी से कट हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारी परफेक्ट बर्फी बनी है। तो एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही कम बजट में बन जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये आधा कप मैंने चीनी लिया है, इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे। अभी इसके साथ हम चार इलायची डालेंगे। इससे ज़्यादा आपको इलायची नहीं डालनी, नहीं तो इसका फ्लेवर ज़्यादा आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चार इलायची बहुत है, तो इसका हम पाउडर बना लेंगे। एकदम बारीक हमें पाउडर बनाना है। तो ये देखिए पाउडर हमने बना लिया है। ये मिठाई बनाने में बहुत ही ईजी तरीका है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। और एकदम महंगे वाले जो बाज़ार से हम हज़ार हज़ार रुपये किलो लेके आते हैं, वो आपको घर में आप आसानी से बना सकते हो बिना मावा। इसका टेस्ट एकदम मावा जैसा, बर्फी, मिल्क बर्फी जैसा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इसको हमने एक फिर से कप में डाल लिया है पीसने के बाद। इसका पाउडर बनाने के बाद ये एक कप हो गया है। तो अगर आपका पाउडर है चीनी पहले से, तो आपको एक कप चीनी लेना है। और यहाँ मैंने 400 ग्राम ये पनीर लिया है, ये रेडीमेड पनीर है। तो इसका हम क्या करेंगे, 400 ग्राम पनीर से हमने ढेर सारी बर्फी बना लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फिर से कह रही हूँ फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको भी हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं और इसका भी हमें एकदम पेस्ट बना लेना है। एकदम बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। एकदम मावा जैसा ये बन गया है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम स्मूथ सा इसका ये पेस्ट बन गया है, एकदम मलाई जैसा, एकदम चिकना बना है। ये देखिए इतना हमें इसका पेस्ट बना लेना है। इसको भी हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, तो एक इसी बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में बने रहे, बहुत ज़्यादा टेस्टी है बर्फी बनने वाली है। और ये देखिए, इसको देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, एकदम मलाई जैसा है इसको पनीर को हमने कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे। अभी कढ़ाई को गैस पे नहीं रखेंगे, पहले इसमें सारी सामग्री ऐड करेंगे, हमें क्या क्या डालना है। तो ये एक कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हो। इसके साथ हम क्या करेंगे, एक कप हम दूध लेंगे। जितना हमने मिल्क पाउडर लिया है उसी बाउल से हम ये एक बाउल इसमें दूध का डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस बर्फी को आप जन्माष्टमी में या कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली में, गणेश चतुर्थी पे, किसी में भी आप बना के खा सकते हो। इसको व्रत वाले भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, त्योहारों पे भी ये मिठाई बनाई जाती है। तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मिल्क पाउडर दूध को मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर जो हमने इसका पेस्ट बना के रखा था, इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये फ्रेंड्स आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि पहले इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी हमें ये बर्फी बनाने में, और बहुत ही इजी तरीका हो जाएगा। जिसको खाना नहीं भी बनाना आता वो भी इस बर्फी को आसानी से बना सकते हो। तो ये देखिए, इसको भी हमने मिक्स कर दिया है, एकदम स्मूथ सा बैटर बना लिया। ये देखिए, इसमें कोई भी गांठे नहीं रहनी चाहिए। अभी हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें ये डालेंगे नारियल का बुरादा। तो ये भी मैंने एक बाउल नारियल का बुरादा लिया है। इसका हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। जब हम बर्फी बनेगी तो बहुत ही स्मूथ सी बर्फी बनेगी। तो इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए, इसका पाउडर दरदरा ही रहता है, एकदम बारीक नहीं बनता है। कभी भी नारियल का बुरादे का पाउडर नहीं बनेगा, ये दरदरा ही रहता है। अभी इसको भी हम इसी में बैटर में डाल लेंगे। अगर आपको नारियल का बुरादा का फ्लेवर पसंद है तो ये डाल दीजिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। वैसे भी बहुत ही मज़ेदार बर्फी बनेगी, लेकिन इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हमने नारियल का बुरादा डाल दिया है, या कोई भी काजू को पीस के भी आप डाल सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम पहले लास्ट में इसमें डाल देंगे इस चीनी। अगर पिसी हुई चीनी है तो आपको पूरा एक कप लेना है, जितना आपने मिल्क पाउडर लिया है। अगर पिसी हुई नहीं है तो आपको आधा कप चीनी लेके उसको पाउडर बनाना है। तो जितना मिल्क पाउडर लिया है उतनी हमने चीनी ली है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है बर्फी बनाने के लिए। अभी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा इसको गैस पे रखना है। अभी गैस को ऑन कर देंगे। इसमें कोई भी झंझट नहीं है, ना आपको चाशनी बनानी है, ना अलग से कुछ करना है। बस सीधा हमने सारा
सामान इसमें मिक्स कर दिया, जो भी हमने सामग्री डाली है इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए बर्फी को एकदम मुंह में घुल जाने वाली और शाइनिंग यहीं से आती है, तो एक छोटा चम्मच हमने देसी घी का डाल दिया है, जिससे क्या होगा कि हम बर्फी बनाएंगे ना तो कढ़ाई की चिपकेगी और स्मूथ सी बर्फी हमारी बनके रेडी हो जाएगी। इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो एक चम्मच, लेकिन घी का थोड़ा और टेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम लगातार गैस को मीडियम लो फ्लेम करके इसको 10 मिनट चलाएंगे। तो पहले मैं आपको ऐसे मिक्स कर देती हूँ, और ये देखिए जैसे जैसे फ्रेंड्स ये पकेगा, गर्म होगा, जैसे जैसे ये एकदम डो जैसा बन जाएगा। लास्ट में हम जो गेहूं का आटा लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसा ही हमें इसका डो चाहिए। तो इसको ऐसे लगातार चलाते रहना, बीच में आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फ्रेंड्स ये बीच में नीचे लग जाएगा और बर्फी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें अगली तैयारी भी कर लेते हैं, साथ साथ में ये अलग इसको चलाते रहेंगे। दूसरे को आपको पकड़ा देना है। अभी ये मैंने ट्रे लिया, इसमें नॉर्मल पेपर लगा के देसी घी लगा दिया, जिससे ये बटर पेपर बन गया है, इससे बर्फी आसानी से निकल जाएगी। साथ में इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट लगा देती हूँ, ड्राई फ्रूट कोई भी लगा सकते हो। मैंने पिस्ता और बादाम लिया है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। तो इसको अच्छे से ड्राई फ्रूट हमने लगा दिए, सेट कर दिए हैं। अभी हमें ये ट्रे भी हमारी बर्फी के लिए रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अभी फिर से हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं, तो ये देखिए इसको हमने 5 मिनट लगातार चला लिया है। 5 मिनट बाद में देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है, लेकिन अभी ये हमारा अच्छे से डो रेडी नहीं हुआ है। अगर इस टाइम हम जमा देंगे बर्फी को, तो बर्फी हमारी बिल्कुल भी नहीं जमेगी, अच्छी नहीं बनेगी, सामान हमारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें थोड़ा और समय देना है, टोटल हमें इसको 10 मिनट देंगे। तो इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए गैस को आपको मीडियम लो फ्लेम में रखना है। और ये देखिए ये लास्ट में कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, तो इसको अभी भी आपको चलाते रहना है, 1-2 मिनट और चलाएंगे इसको। अभी ये सेट होने के लिए तैयार नहीं है, इसको थोड़ा और चलाएंगे। दिखने में कितना ये अच्छा लग रहा है, एकदम मुलायम मक्खन जैसे ये डो लग रहा है, देख रहे होंगे आप। तो इसको थोड़ा 1-2 मिनट और चलाते हैं। तो ये देखिए अभी ये हमारा रेडी हो गया है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि बर्फी के लिए डो रेडी है? तो हम इस थोड़ा सा ये मिश्रण लेंगे और अलग प्लेट में निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसको लगातार चला लेंगे। और गैस को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट तरीके से डो रेडी हो गया है। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि बर्फी के लिए डो ये परफेक्ट है। तो हमने अलग जो प्लेट में निकाला था उसको हम देखेंगे, तो ये ठंडा हो चुका था। हाथ में लेके इसकी बॉल बनाएंगे, अगर बॉल आसानी से बन रही है, हाथ के बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो यकीन मानिए आपको यकीन हो जाएगा कि ये डो हमारा एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा डो आपको ठंडा होने, हाथ में लेके बॉल बनानी है। अगर बॉल अच्छे से बन रही है तो डो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से बन गया है। तो उसके बाद हम इसमें ये मिश्रण को इसमें डाल देंगे ट्रे में, और अच्छे से फैला देंगे। जितना आपको मोटा पतले बर्फी चाहिए उतना आप इसको फैला सकते हो, पतला अगर चाहिए बर्फी तो आप इसको और भी फैला सकते हो, लेकिन हमें ये थोड़ा मोटा साइज़ का चाहिए। और ये ट्रे में आसानी से पूरा फैल भी चुका है, अच्छे से हमने इसको सेट कर दिया है। ये देखिए कितना स्मूथ सी ये बर्फी अच्छे से सेट हो गई है, डो हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से। तो इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं है तो आप 15 मिनट इसको फ्रीज में भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको बाहर ही आधा घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स आधा घंटा हो गया है, ये ठंडा भी हो चुका है और अच्छे से सेट भी हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये थाली है, मैं इसको पलट दूंगी और इसके ऊपर हम निकाल लेंगे। मेरे पास और कुछ है नहीं तो मैं इस थाली पे ही निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए ये बर्फी जो आप बना के ट्राई करोगे तो आपको मार्केट वाली बर्फी भूल जाओगे, इतनी टेस्टी है। यकीन मानिए हलवाई से भी अच्छी बर्फी बनी है। तो ये देखिए हमने इसको ट्रे से निकाल लिया है, बटर पेपर अलग कर दिया है। अभी मैं आपको कट करके पहले भी दिखा दिया था, फिर से मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने फास्ट मोड कर दिया ताकि वीडियो लंबी ना बने। और ये देखिए अच्छे से कट रही है, ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है, एकदम अच्छी बनी है। तो आपको ये देखिए पास से दिखाती हूँ। और इस पर अभी चांदी वर्क लगा देंगे, जो सिल्वर वर्क आता है वो लगा देंगे। काजू कतली पे लगाया जाता है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। ये इसलिए लगाया कि एकदम ये मार्केट जैसी दिखेगी दिखने में। और ये देखिए पास से इसका
टेक्सचर दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी ये सेट हुई है। तोड़ के भी दिखा देती हूँ फिर से। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये बर्फी हमारी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स जब बनाओगे ना तभी आपको पता चलेगा। इसको आप कोई भी फास्ट में खा सकते हो, या आपका मीठा खाने का मन करे, या कोई भी फेस्टिवल हो या मेहमान आ जाए, तो आप इसको मिठाई को आसानी से बना के एंजॉय कर सकते हो। जिसको भी खिलाओगे वो पूछता ही रह जाएगा कि आपने ये किस तरह बनाई है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। मार्केट में भी ऐसी मिठाई नहीं मिलेगी। अगर आपने घर में बना लिया तो हमने कितनी चीज़ें इसमें डाल के मिठाई बनाई है, तो एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मिठाई हमारी बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि बहुत इतनी टेस्टी बनी है। जब आप बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरी बर्फी की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।